हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे ओजेनेसिस प्रक्रिया के बारे में। फीमेल के ओवरी में अंडजनन की जो प्रक्रिया होती है उसको ओजेनेसिस कहते हैं। जब फीटस 3 महीने का ही रहता है तो उसमें लिंग का निर्माण हो जाता है, अर्थात पुरुष में टेस्टिस का और फीमेल में ओवरी और तमाम पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण हो जाता है, और बाहर से सोनोग्राफी क्रिया द्वारा ही उसके लिंग की पहचान भी की जा सकती है। और उस समय भ्रूणावस्था में, फीमेल की भ्रूणावस्था में ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स से बहुत सारी प्रीमार्डियल जर्म सेल्स बनती हैं। यह प्रीमार्डियल जर्म सेल्स फिर बार बार संसूत्री विभाजनों द्वारा ओगोनियल सेल्स में ओगोनिया में परिवर्तित हो जाती हैं, और प्रत्येक ओगोनिया में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होते हैं, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इस प्रकार से जर्मिनल ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियल सेल से जो प्रीमार्डियल जर्म सेल्स बनती हैं उनसे समसूत्री विभाजन द्वारा जो ओगोनिया बनती है, तो भ्रूणावस्था में इस ओगोनिया की संख्या लगभग 20 लाख तक होती है ओवरी में। और इसमें से बहुत सारी ओगोनियल सेल्स नष्ट हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को पतन अर्थात एट्रेशिया कहते हैं। जो फंक्शनल ओगोनिया होती हैं यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में परिवर्तित होती हैं, और प्राइमरी ओसाइट सेल्स से सेकेंडरी ओसाइट सेल्स और फिर उससे ओटिड और ओवम बनते हैं। अर्थात ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम से बनने वाली ओगोनिया से विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा ओवम के निर्माण की पूरे प्रोसेस को ही ओजेनेसिस अर्थात अंडजनन कहा जाता है। और यह जो प्राइमरी ओसाइट सेल्स बनती हैं इनकी संख्या जन्म के समय मादा की ओवरी में लगभग 7 लाख रह जाती है, बाकी सभी एट्रेसिया द्वारा नष्ट हो जाती हैं। इसमें से सिर्फ 400 से 500 ओवम ही विकसित हो पाते हैं पूरे जनन काल में, बाकी सभी नष्ट हो जाते हैं। और मादा का जो जनन काल है जिसमें उसका मीनाच से लेकर के मीनोपास तक का जो टाइम होता है वही उसका जनन काल होता है, उसी में उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। अब आइए हम पूरी प्रक्रिया के बारे में इसमें देखें कि ओजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया को हम 3 फेजेज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 मल्टीप्लीकेशन फेज, और मल्टीप्लीकेशन फेज में प्रीमार्डियल जर्म सेल से बनने वाली ओगोनिया तक की यह जो प्रक्रिया होती है जिसमें जो ओगोनिया डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें होते हैं यह बार बार समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा बनती है, और इस तरह से जन्म के समय तक भ्रूणावस्था तक जन्म के पहले तक ही उसमें लगभग 20 लाख ओगोनिया बन जाते हैं। यह इसकी मल्टीप्लीकेशन फेज कहलाती है। इसके बाद इसमें से जो फंक्शनल ओगोनिया होते हैं शेष बहुत सारे ओगोनिया तो नष्ट हो जाते हैं एट्रेसिया प्रक्रिया द्वारा, लेकिन जन्म के समय इसमें लगभग जो 7 लाख ओगोनिया और स्पर्मेटोसाइट सेल्स रह जाती हैं उसमें से फंक्शनल ओगोनिया सेल ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में परिवर्तित होती हैं, और इनका आकार इस ओगोनिया की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है। इसमें भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये इसकी ग्रोथ फेज कहलाती है। इसके बाद की जो फेज है यह सभी जो इसकी मैचुरेशन फेज है यह सभी हार्मोन्स पर डिपेंड करती है, और उस समय उसके प्यूबर्टी पीरियड में जबकि लगभग 12 से 14 वर्ष का की जब फीमेल हो जाती है उस समय ब्रेन के हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यह अपना प्रभाव दिखाता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर यह अपना प्रभाव दिखाता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन स्रावित होता है वह इस प्यूबर्टी पीरियड में ओवम के निर्माण और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स विकसित करने के लिए उत्तरदायी होता है।
उस समय जब सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स विकसित होते हैं तो मादा के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे उसमें सेक्स ऑर्गन का पूर्ण रूप से डेवलपमेंट होने लगता है, उसके मेमोरी ग्लैंड परिवर्तित होने लगती है, उसकी आवाज़ मेलोडियस साउंड हो जाते हैं, उसमें मिनिस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और यह जो इस एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन स्रावित होता है वह गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन वह कहलाता है, गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन। गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन यह मिला करके होते हैं, यह जो गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन है यह दो होते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यानी गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन्स जो स्रावित होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से वह दो प्रकार के होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा ओवरी से निकलने वाले प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिन और इस्ट्रोजन हार्मोन यह सभी मिल करके उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करते हैं, और उस समय उसमें ग्रेफियन फॉलिकल्स है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स का निर्माण होता है। आइए अब प्रक्रिया वर्णन करें कि जब जर्मिनल एपिथेलियल सेल से जर्मिनल एपिथेलियल से उस साइट का निर्माण होता है, उसी समय अंडाशय की के कार्टिकल स्ट्रोमा उसके कार्टिकल स्ट्रोमा में बहुत सारे ओगोनियल सेल्स जो बनती हैं उसके चारों तरफ एपिथेलियल सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं, फॉलिकुलर सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं। उस समय इसको कहा जाता है इस ऊसाइट के इस प्राइमरी ऊसाइट के चारों तरफ जो सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं ग्रेफियन फॉलिकल्स इकट्ठा हो जाती हैं उस समय इसको कहते हैं प्रिमार्डियल फॉलिकल्स कहा जाता है। प्रिमार्डियल फॉलिकल्स के चारों तरफ ग्रैनुलोसा का एक स्तर होता है, और यह ग्रैनुलोसा स्तर की कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं, बार बार विभाजित होती हैं। इस तरह से इस ग्रैनुलोसा स्तर के चारों तरफ कई स्तर, मुख्यतः 6 से 7 स्तर, इसके चारों तरफ 6 से 7 स्तर बन जाते हैं जो ग्रैनुलोसा मेम्ब्रेन सेल्स बनते हैं। अब इस ग्रैनुलोसा सेल्स की जो सबसे निचली परत होती है, जो निचली परत होती है उसके नीचे उस प्राइमरी उस साइट के नीचे की परत जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है यह कहलाती है जोना पेलुसिडा। और यह जो ग्रैनुलोसा स्तर होता है इसमें सबसे निचले स्तर की कोशिका इस पेलुसिडा स्तर से आकर के जुड़ जाती है, उसको कहा जाता है कोरोना रेडिएटा कहते हैं। अब यह ये बार बार इसमें बार बार ग्रैनुलोसा स्तर की कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं, और कुछ समय के बाद इस ग्रैनुलोसा स्तर में ही इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्रावित होने लगते हैं, इन कोशिकाओं से ही ये फ्लूइड स्रावित होने लगते हैं, जिसके कारण इसके बीच में कुछ खाली स्थान बन जाते हैं। इस खाली स्थान जो बन जाते हैं इनको एंट्रम कहते हैं खाली स्थान। अब यह जो ऊपर ऊसाइड सेल है इसके चारों तरफ पेलुसिडा स्तर बन गया, उसके बाहर कोरोना रेडिएटर स्तर बन गया, फिर इसके बाहर जोना ग्लोमेरुलोसा स्तर बन गया, और सबसे बाहरी जो स्तर होता है इसको थीका स्तर कहते हैं, इसको थीका स्तर कहा जाता है। और इस तरह से यह जो इसमें एंड्रम बन जाता है इस फॉलिकुलर सेल में तो वह परिवर्तित हो जाती है सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल्स में, सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल्स में परिवर्तित हो जाती है, और यह सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल्स में फिर परिवर्तित होती है ग्रेफियन फॉलिकल्स में। इस ग्रेफियन फॉलिकल्स में क्या होता है कि जब यह एंट्रम बढ़ता जाता है उसमें जो फ्लूइड का स्रावण होता रहता है जिसके कारण यह एंट्रम बढ़ता जाता है, तो यह जो ऊसाइड सेल होती है
यह ओसाइड सेल एक तरफ इस फॉलिकुलर सेल में एक तरफ आकर के ग्लोमेरुला स्तर से सट जाती है और बाकी यह एंट्रम काफी बड़ा सा स्तर हो जाता है। जहाँ जहाँ यह सटती है उस स्थान को कहा जाता है ओरिकस, इसको कुमुलस ओरिकस ओरिकस स्तर कहते हैं। अब इस तरह से एक मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स का निर्माण हो जाता है और जो यह ओसाइड सेल थी प्राइमरी ओसाइड सेल यह परिवर्तित हो जाती है सेकेंडरी ओसाइड सेल्स में और सेकेंडरी ओसाइड सेल्स से जब यह परिवर्तित होती है प्राइमरी ओसाइड सेल से तो उसी समय इसमें एक फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइड सेल्स बनते हैं। जो सेकेंडरी ओसाइड सेल्स और फर्स्ट पोलर बॉडी दोनों एक दूसरे में संयुग्मित ही होते हैं और इनके चारों तरफ यह जोना पेलुसिडा और जोना ग्लोमेरुलोसा का स्तर होता है, कोरोना रेडिएटा का भी स्तर होता है और फिर इस तरह से सेकेंडरी ओसाइड सेल परिवर्तित होती है सेकेंड पोलर बॉडी में और ओसाइड सेल में और ओटिट्स में और ओटिट परिवर्तित होते हैं ओवम में। और इस तरह से जब यदि यह जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है यह ओवरी की सबसे निचली सतह पर, जो ओवरी होती है ओवरी की सबसे निचली सतह पर यह उभार के रूप में निकलने लगती है यह ग्रेफियन फॉलिकल्स और जहाँ इसका ओसाइड सेल है यह हार्मोन्स की सहायता से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसके प्रभाव से यह जो है कि यह बाहर की तरफ यह ग्रेफियन फॉलिकल्स रप्चर हो जाती है। और जब यह ग्रेफियन फॉलिकल्स रप्चर हो जाती है तो इससे ओवम रिलीज हो जाते हैं और ओवम के चारों तरफ जोना पेलुसिडा स्तर होता है, उसके बाहर कोरोना रेडिएटा स्तर होता है, इसमें एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इस तरह से ओवम इस ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है और उसको यूटेरस से निकलने वाली जो यह फैलोपियन ट्यूब है उसकी फिम्ब्रिएटेड फनेल इस ओवम को रिसीव कर लेती है और यह ओवम इस फैलोपियन ट्यूब से, जिसको फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहा जाता है अथवा ओविडक्ट कहते हैं, इसके एम्पुला से होकर के और इस फिर इस्थमा से होते हुए यूटेरस की तरफ यह बढ़ने लगता है और यदि इधर से शुक्राणुओं का इसमें सम्मिलन होता है तो इस फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में इस ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी स्पर्म और ओवम दोनों के केंद्रकों और साइटोप्लाज्म का संयुग्मन हो जाता है, जिस क्रिया को फर्टिलाइजेशन अथवा सिंगैमी कहते हैं। क्योंकि यह शरीर क्रिया या फर्टिलाइजेशन की क्रिया शरीर के अंदर होती है इसलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर यह फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर फिर यह जायगोट में विदलन होने लगता है और वह एम्ब्रियोनिक स्टेज की बहुत सारी प्रक्रियाओं से होता हुआ एक फीटस का निर्माण करता है और एक निश्चित अवधि के बाद बच्चे का जन्म होता है। यदि इस यह जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है इससे ओवम रिलीज हुए और उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यह जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है यह कार्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाती है। यदि इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इस ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया फैलोपियन ट्यूब में, तो यह जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है इसमें कुछ ब्लड इकट्ठा हो जाता है, ब्लड क्लाट कर जाता है और इसकी बाहर की यह जो दीवार है जिसको ल्यूटियल मेम्ब्रेन कहने लगते हैं यह ल्यूटियल मेम्ब्रेन इसको रप्चर भाग को रिकवर कर लेती है, फिर इसमें ल्यूटीन नामक पदार्थ साबित होने लगता है और यह रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल्स परिवर्तित हो जाती है कार्पस लूटियम में परिवर्तित हो जाती है और यह कार्पस लूटियम दो हार्मोन्स का श्रावण करती है जिसका नाम है प्रोजेस्ट्रॉन और इस्ट्रोजन। यह प्रोजेस्ट्रॉन और इस्ट्रोजन दो हार्मोन का श्रावण करने लगती है।
इसमें से जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है यह इस जायगोट के आगे विदलन की प्रक्रिया और उसको ओवर इस यूटेरस में एक जगह इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया और आगे इस इम्ब्रियो के डेवलपमेंट की प्रक्रिया का रेगुलेशन अर्थात नियंत्रण और नियमन करता है। यदि और इसकी इस इसकी सगर्भता को बनाए रखता है और उस समय जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का श्रवण इस कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता रहता है उस समय इससे जो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन एसएचएच और एलएच हार्मोन है इनका श्रवण नहीं होता है और जब इन दोनों एसएचएच और एलएच का श्रवण नहीं होता है तो फिर अगली ग्रेफियन फॉलिकल्स का निर्माण नहीं होता है और ईएमसी पीरियड यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है और मादा प्रेग्नेंट कही जाती है। और यदि यदि इस कार्प इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ओम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यह जो कार्पस लूटियम है यह कुछ समय तक सफ़ेद धब्बे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उस समय इसको कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं और कुछ समय के बाद यह कार्पस एल्बिकेंस भी नष्ट हो जाती है और यह जब तक कि इस कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता रहता है सगर्भता बनी रहती है और 3 महीने तक जब उसमें जब तक कि उसमें फीटस में फीटस का निर्माण नहीं हो जाता अर्थात प्लेसेंटा का निर्माण नहीं हो जाता तब तक यह कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन का श्रवण करती रहती है उसकी सगर्भता बनी रहती है। जब इस प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है तो वही हार्मोन यह जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन है वही प्लेसेंटा से स्रावित होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे यह कार्पस लूटियम समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।